हिमऊर्जा विभाग बिलासपुर द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई डिमांड दो सालों से पूरी नहीं कर रही है। 2021 में बिलासपुर जिला में 5000 सोलर स्ट्रीट लाइटों को भेजी गई डिमांड का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। विभाग दो सालों से केंद्र से जारी अप्रूवल पत्र के इंतजार में बैठा है। इसका मुख्य कारण ये है कि केंद्र सरकार इन लाइटों को लगाने के लिए 80% की सब्सिडी दी जाती है, जिसके बाद ऊर्जा विभाग अपने अपने जिला की पंचायतों में इस योजना के बारे में पंचायत प्रधानों को बताते हैं, जिसके बाद पंचायत प्रधानों द्वारा अपने क्षेत्र के लिए ये लाइटें खरीदी जाती है। विभागीय जानकारी के अनुसार दो साल पहले बिलासपुर जिला में 1000 लाइटें विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में लगाई गई थी, जिसके बाद विभाग को इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। ऐसे में विभाग की ओर से बिलासपुर जिला में 5000 लाइटों की डिमांड अप्रूवल भेजी गई थी, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मार्च माह के अंत तक इंतजार किया जाएगा, उसके बाद विभाग एक और पत्र केंद्र सरकार को भी लिखेगा। आपको बता दें कि हिमऊर्जा विभाग की ओर से पंचायतों व अन्य क्षेत्रों में सोलर व अन्य लाइटें लगाई जाती है। ऐसे में सरकारी विभाग होने के नाते इस योजना में खरीदार को 80% सब्सिडी भी दी जाती है, जिसके बाद काफी सस्ते दामों में इन लाइटों का लाभ ग्रामीण इलाकों में लोगों को मिलता है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कोई भी जवाब न देने के चलते विभाग इस कार्य को गति नहीं दे पा रहा है। हिमऊर्जा बिलासपुर की तरफ से 5000 सोलर स्ट्रीट लाइटों का जो है एक प्रस्ताव हिमऊर्जा मुख्यालय शिमला के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, उसमें जो है भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है 80%। तो पिछली बार जो है मैंने 1000 स्ट्रीट लाइटें लगाई थी, इस बार हमने 5000 का भेजा है प्रस्ताव, लेकिन अभी उसकी कोई सैंक्शन हमारे को प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही कोई सैंक्शन प्राप्त होगी तो उसके बारे में हम सभी पंचायतों को इसके बारे में अवगत कराएंगे और स्कीम की रेट्स के बारे में भी अवगत कराएंगे कि कितना इसका बेनिफिशरी शेयर जो है वो डिपॉजिट कराना है। लेकिन अभी 31 मार्च तक आता है तो देखा जाएगा कि क्या इसमें हमारे पास कितनी लाइटों की सैंक्शन आती है। हमने हिमऊर्जा मुख्यालय के माध्यम से 2021 में भेजा था नवंबर दिसंबर में, वो अभी तक अवेटेड है।